नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा यह है कि आज होली है और रंग बिरंगी खुशबुओं के साथ, रंग बिरंगे तस्वीरों के साथ लोग जो है घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उसका उदाहरण इधर है। और दूसरी बात, ये राजनीति में जो है चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में जो है नेता कार्यकर्ता सब जो है होली खेल रहे हैं। तो हम जो है आज होली के ऊपर ही जो है इन नेताओं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नेता लोग जो है, सारी सेलिब्रिटी हो, नेता हो, ये लोग जो होली खेलते हैं, इससे उनको क्या मतलब, उसमें किस तरह राजनीति फायदा उठाते हैं, ये भी हम इस पर चर्चा करेंगे। सर, होली है, होली आपको बहुत बहुत बधाई सर आपको, हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे ही होली की तरह जो है आप ऐश करो। सर, राजनीति में अगर होली की बात करें तो आज हमें देखिए पेपर में हेडलाइन सब छपा हुआ है जो उल्टा सीधा लिख के ऊपर नीचे रह गया, बुरा ना मानो होली है। तो कभी कभी वो हेडलाइन देख के हम लोग चौंक जाते हैं, है ये क्या हुआ, जो चीज़ कभी नहीं होने वाला था ये हो गया। लेकिन वह बारीक एकदम बारीक अक्षर लिखा रहेगा, बुरा मत मानो होली। वो तो लास्ट में पढ़ने को होता है, लेकिन उसके पहले तो हम सीरियस हो जाते हैं, अरे क्या कैसे हो गया, क्या हो गया। और बकायदा स्टोरी वाइज ऐसा लिखते हैं सर, सच में लगे, सही से ऐसा लगता है। तो जैसे हमने कल चर्चा की थी कि आज ही चर्चा कर रहे थे कल भी कि उद्धव जी पीएम बन सकते हैं। वो सर होली का नहीं था, वो अपने पप्पू को दूसरा कोई टप्पू नहीं मिल रहा है पर रहा है करके उसको लिया था। लेकिन सर, अब हमारे देश में जो है पंत प्रधान ले लो, मुख्यमंत्री ले लो, कोई जरूरत है कि एकदम फुल एक्सपीरियंस वाला ही चेहरा वहां बैठा है? नहीं ना, मनमोहन सिंह जी अचानक, राबड़ी देवी हो सकते हैं। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन रही, सुनीता देवी हो रही, और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, चुनाव रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, मानता हूँ सर। लेकिन चुनाव का किसी को पता था? जब वाजपेयी जी की सरकार थी और इंडिया साइनिंग खूब चमक रही, वाजपेयी के सामने मनमोहन तो कुछ नहीं थे ना सर, इसीलिए उनका नाम पहले दिया। नाम के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में बैठाई तो नाम किसका दिया? सब ये बोले थे सोनिया जी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और की वजह से नहीं बनी, नहीं तो बनती थी। हाँ सर, राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम थे जी, उनके पास सोनिया जी गई थी सपोर्ट का लेटर लेके, आपको मालूम होना चाहिए। मगर उन्होंने बोला कि ये शरद पवार से लेके पूरी जो टोली है देश में, वो आप फॉरेनर है करके इशू करके पूरा आपका, वो हित चिंतक थे उसके, पूरा गांधी परिवार को भी बदनाम करेंगे और कांग्रेस को आगे भवितव्य नहीं रहेगा। तो मैं मानता हूँ आपको सपोर्ट है, मगर आप मत बनिए, मेरी सलाह सुनिए। अब्दुल कलाम जी के सलाह सुनने के कारण सोनिया ने पीछे लिया। हाँ। और फिर उसको एक पदत्याग का होली के अवसर पर एक सवाल पूछ लेता हूँ। मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया 2004 में, उसके बाद 2009 में भी वापस बनाया उनको उस जगह पर। अगर कुछ दिन बाद अगर राहुल जी को, अगर कुछ दिन बाद क्यों, उसी समय दूसरे समय, दूसरे समय अगर राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो वो पप्पू की में से बाहर आता था, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पंतप्रधान। तो यहाँ पर किसी गलती हुई सर, आप क्या मानते? सोनिया की गलती हुई और राहुल की भी गलती हुई। राहुल को लेना चाहिए था और सोनिया को देना चाहिए था, वो उस समय क्यों नहीं दिया, ये आश्चर्य है। आज जो है एक लेबल होता कि पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, मान लो प्रधानमंत्री। सर मैं बोलता हूँ जी, राहुल के बारे में अगर असली बोलना है सच में, तो राहुल ना पब्लिक के साथ है। मोदी जी जो है वो जो बोलता है अंबानी और अदानी के साथ है, उच्च मध्यम वर्गीयों के साथ है, उच्च पैसे वालों के साथ है, ये सच है, वो उनका ही देखते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो रॉबिन हुड है, पंतप्रधान रॉबिन हुड है, वो इनसे लेते हैं बहुत कुछ, इधर बांटते भी है बहुत कुछ, ऐसा दोनों करते हैं, इसलिए वो रॉबिन हुड है। मगर ये जो है ना, ये सर सब बड़े उद्योगपति इनको अंदर डालता था। कौन सब? राज अपना ये राहुल, राहुल राहुल ऐसा, उसके बारे में जो मैंने जिन लोगों से सुना है उसमें सबसे ज़्यादा मैंने संजय से सुना है, और वो आपस में हमारी बात थी, बोला राहुल को कोई समझ नहीं पाता है क्योंकि उसको बोलने का सेंस नहीं है, उसकी वजह से वो मार खाता है। वो बोले वो असल में इतना ऑनेस्ट पंतप्रधान इस देश को दूसरा मिलेगा नहीं, राहुल गांधी, राहुल गांधी जैसा। वो बोला सबसे अच्छा पंतप्रधान वो बनेगा,
और वो पब्लिक के लिए काम करेगा। लेकिन आज की वो स्थिति पैसे बदल गई है, यानी एक तरफ मोदी जी अगर देखो तो सूरज हो गए, हाँ, और ये राहुल गांधी को तो देखो तो नीचे भी कहा है, राहुल गांधी कहीं है क्या, कहीं है क्या, उसके ऐसा देखना पड़ता है। एक तो उसको अवसर नहीं दिया आपने जी, कैसे ना आदमी को अवसर मिलता है। सर लाल बहादुर शास्त्री जब पंतप्रधान हुए जी, तब लोगों ने ऐसा पूछा कि ये कौन है, छोटा सा आदमी, हाँ, मगर बाद में वो बड़े हो गए और ताशकंद में उनका निधन होने के कारण तो बहुत ही बड़े हो गए। वो निधन नहीं होता ना तो मुझे किसी ने बताया कि उनको हार्ट अटैक इसीलिए आया कि भारत में जाके मुंह क्या दिखाऊं मैं, भाई किस प्रकार का ये ताशकंद करार कर बैठा। उसकी दूसरी कहानी भी है, वो ताशकंद पेपर आए ना, उसकी दूसरी भी कहानी है कि उनको हार्ट अटैक ही इसीलिए आया, उसमें दिखाया कि उनको मारा गया ताशकंद पेपर्स में, मगर दूसरी कहानी है कि वो ताशकंद करार करने के बाद उनको इतना डर लगा कि मैं कैसे देश को मुंह दिखाऊं, युद्ध जीतने के बाद इसमें हार गया मैं जी, करके उनको हार्ट अटैक है। ऐसा ये है सर, ये ऐसा बहुत तो हम कह सकते हैं कि 2009 में कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की, राहुल को नहीं बनाया और वो पीछे वो माहौल, हाँ नहीं उनकी प्रतिमा जो हुई वो निगेटिव हो, निगेटिव होती है, और उसके बाद फिर मोदी जी आए तो उनको पप्पू ही बना दिया पूरा। हाँ मोदी के सामने टिकना तो मुश्किल ही था, मोदी कोई भी हो शेर है ना, तो इसके सामने इसको टिकना मुश्किल था, मगर एक अच्छा चांस, गोल्डन चांस कह सकते हैं कि चला गया, कि जो कि सर अभी क्या है ना, वक्त एक बार हाथ से निकल जाता है, कुछ नहीं, कुछ भी खाली सोच सकते हो बस नहीं, और वक्त भी ऐसा होता है सर, आपको वो गलत ही बुद्धि देता है। अगर मराठी में एक अच्छा है, ये है, दुर्बुद्धि ते मना कदा नुपजो नारायण, मतलब नारायण को प्रार्थना करते हैं कि मुझे दुर्बुद्धि मत दे। वो सोनिया को दुर्बुद्धि हो गई कि उसने इसको नहीं बनाया, और इसको भी दुर्बुद्धि हो गई, ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी छोड़ गया। हम कह रहे लास्ट का 2.5 साल भी दे दिए होते तो, लास्ट का 2.5 साल भी 2 साल दे दिए भी दे देते तो वो आज ये लेवल पे नहीं, नहीं होता। और देश में सर एक बार पंतप्रधान बनने के बाद ये चर्चा भी नहीं होती थी कि ममता है के ये केजरीवाल है कही है, वो लेवल वो सीधा डायरेक्ट पंतप्रधान पद का दावेदार बन जाता था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अभी सर अपने मुद्दे पर आते हैं कि अजीत दादा के मामले में व्यूह रचना शरद पवार की क्या हो सकती है। सर मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा बोलना गलत है मगर बीजेपी नहीं चाहती है कि अजीत दादा का वर्चस्व बढ़े, शिंदे नहीं चाहते कि अजीत दादा का वर्चस्व बढ़े, लेना ही नहीं चाहिए था, मैं तो बताऊं लेना भी नहीं चाहिए था। शिंदे ने कहा लिया है उनको, शिंदे साहब ने थोड़ा लिया है, वो बीजेपी को बोल रहा हूं सर मैं, आज हर ऑडियंस से पूछूंगा, ऑडियंस खुद बोल रहे हैं कि सर बीजेपी वालों की अजीत दादा की जरूरत ही भाषा में बोलना है ना फट गई थी जी, उनको समझने को नहीं हो रहा था, उनको डर लग रहा था कि अगर मोदी साहब को जिस तरह से वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो क्या होगा, और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी बड़ी सर, है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक तरफ आप बोलते हो मोदी लहर हर कोई मोदी जी को देख के वोट देता है, तो इसमें कहां से आ गई थी दूसरे कोई वोट सर देता। ये बाहर बोलने के लिए ठीक है, हमने श्रीराम की लहर भी बोली थी, है ना सर, आज है ना श्रीराम की लहर है, आप एक बार जाके आओ आप अयोध्या, अयोध्या में छोड़ो अब जाएंगे तभी तो देश में, देश में कैसा है देश में लहर, क्या सिर्फ बम्बई में तो किधर नहीं दिखाई देती मेरे श्रीराम, आपको क्या लोग लेके घूमेंगे बैनर, नहीं ऐसा नहीं, श्रीराम लहर तो आपस में बात होती है, ये होता है तो हाँ सर बात चर्चा है, चर्चा चर्चा श्रीराम की लहर है तो मोदी जी की भी लहर, मगर मेरे को लगता है कि अभी अजीत दादा बोझ बन गए जी बीजेपी के लिए, पूरी तरह बोझ के लिए बोझ बने और डिस्टर्ब कर दिए, नहीं नहीं इनके बोझ तो बने हैं, चार भी कर दिया, हाँ डिस्टर्ब भी कर दिया, और वो मगरूर बोझ कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं मराठी में के खाने थोड़ो पात न भर ऐसा बोलते हैं कि कम खाता है मगर पाता बहुत है, वैसा ही हो रहा है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो तो डिक्टेट ऐसा कर रहे हैं कि मैं भी शिंदे के बराबरी का हूँ, और उनकी वजह से ऐसा लगा था कि शरद पवार की पूरी पार्टी टूट जाएगी, शरद पवार भी टूट जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो शरद पवार अपनी जगह कायम नहीं है, उल्टा लोग उनके पास जा रहे हैं, जिस जिसको यहाँ मना हो रहा है वो वहाँ जाके पांव पड़ रहा है, अभी बहुत से लोग इधर उधर होंगे, जिसको टिकट नहीं मिलेगा बहुत से लोग इधर उधर होने वाले, गए ना जा रहे हैं, कुछ लोग वाटर में जाएंगे, वाटर में भी जाएंगे टिकट नहीं मिलेगा, हाँ हाँ नहीं किधर भी जाएंगे टिकट के लिए तो कोई भी किधर जा सकता है, मगर ऐसा है कि सर अजीत दादा का मामला जो है ना वो अभी ऐसा हो गया कि शरद पवार तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएंगे पार्टी से अलग हो जाएंगे ये हो जाएंगे, पर अजीत दादा अगले अगर इस समय अजीत दादा को 7 सीट दी और भाजपा की वजह से 7 जीत गए तो 70 मांगेंगे वो विधानसभा में, जो भारी पड़ेगा, वो अजीत दादा चाहेंगे कि मेरे बिगड़ 7 ही नहीं आए,
और शिंदे साहब चाहेंगे कि बीजेपी और मेरी मिलके सत्ता फिर आए और अजीत दादा बाहर हो जाए, जब जरूरत ही नहीं पड़े, मंसी की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा भी वो सोचे। अजीत दादा को तो अभी भी जरूरत नहीं थी सत्ता के, मगर वो घबरा गए करके उनको लिया, बाकी कुछ नहीं। मगर अभी शरद पवार क्या करेंगे ना, शरद पवार होशियार है, वो बीजेपी शिंदे सबसे साठगांठ करके उनको बोलेंगे कि आप चिंता मत करो, आपको कहीं भी कुछ कम पड़ जाए तो हम हैं, ठाकरे भी हैं, मगर इसको फिनिश करना है मेरे को, अजीत दादा को आप उनके साथ के साथ गिरा दो, जो भी 5-7 दो भी देंगे वो गिरा दो, मैं आपको और 7 जगह मदद करता हूँ। वो करते हैं ऐसा, ऐसे करते हैं, वो बोलेंगे ऐसे डेलिकेट चीज जो है, और वो क्या करेंगे मानोगे, ठाकरे के गिराएंगे वो बोलेंगे मेरे लोग है वो ठाकरे के गिराएंगे, हम अजीत दादा के गिराओ, ये व्यूहरचना उसकी हो सकती है, इंटरनल शरद पवार है वो। फिलहाल सर होली है, होली के अवसर पर क्या कहेंगे जो राजनीतिक लोग, जो राजनीतिक लोग किस तरह फायदा उठा रहे हैं इस समय? सर फायदा नहीं हो रहा है, तोटा हो रहा है, तोटा हो रहा है सर, ये गली गली में मंडल है होली के, पैसे तो गए होंगे ना भाई, होली खेलो मनाओ, मनाओ मतलब जमा करो, इलेक्शन है, वो बोलेगा मेरे 200 लोग है, मेरे 500 लोग है, तो हर आदमी के पीछे 100-100-100, 200-200 करते करते कम से कम 5,000 के नीचे कोई लेता ही नहीं है होली मंडल, और ज्यादा से ज्यादा तो 5,00,000 भी मांगते हैं। तो सर मेरे को लगता है कि ये धुड़वड़ में महाराष्ट्र में पूरे कम से कम 100-200 करोड़ तो नेताओं के कम हो गए होंगे, लोगों ने लूट लिया होगा उनको, और ना नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नसीब तो नसीब, गणेशोत्सव नवरात्रोत्सव और ये कुछ नहीं है अभी, तो रहेगा विधानसभा में, नंगा ही कर दे, विधानसभा में रहेगा, विधानसभा विधानसभा में नंगा करेंगे इनसे, तो होली इनके लिए सर ये है। सर होली के बारे में एक कहानी मैंने आज सुनी, वो लोगों को बतानी चाहिए कि हम होली का दहन करते हैं ना, तो असल में होलिका नाम की एक राक्षसी थी, राक्षसी, मगर उसकी असली कहानी जलाने वालों को भी मालूम नहीं है। क्या है ना कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक बुरा आदमी था, उसका बेटा प्रहलाद जो था वो विष्णु भक्त था, तो नृसिंह अवतार बोलते हैं ना जो लिया, नृसिंह अवतार, तो वो हिरण्यकश्यपु जो था उसकी बहन थी होलिका, होलिका और राक्षसी थी, उसको उसने बोला कि प्रहलाद को जाके मार दो, जैसे पुतना मौसी को भेजा था वहां पे कृष्ण के लिए, ऐसे उसको बोला मार दो, मगर वो जो होलिका थी वो अच्छे हृदय वाली वात्सल्य मूर्ति थी, मतलब ममता थी उसके मन में, उसको ऐसा लगा कि ये प्रहलाद जो है वो क्या गलत कर रहा है, विष्णु की भक्ति कर रहा है और ये उसका बाप ही उसको मारने के लिए ये कर रहा है, और उसको एक वरदान ऐसा था होलिका को कि वो तपश्चर्या की थी, उसको वरदान मिला था कि जल्दी वो जलेगी नहीं, मगर उसमें भगवान भी हमेशा विद कंडीशन एंड टर्म्स रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लागू, तो उन्होंने बोला था कि अगर इसके साथ दूसरा कोई होगा तो ये जलेगी, तो उसने क्या किया, जब हिरण्यकश्यपु ने उसको कंपल्सरी किया कि ये प्रहलाद को तुम लेके बैठो, मार दो, लेके बैठो, तो वो बैठी, तो प्रहलाद को बचाने के लिए उसने खुद को जला लिया, मतलब वो ममता का वात्सल्य का और प्रहलाद जैसे एक देव के भक्त का ये है संरक्षक प्रतीक है, उसको आप जलाते हैं वो मुझे ठीक नहीं लगता है। होली का कई पूजा होनी चाहिए और वो होली पूजा करते हैं नहीं, पूजा करके ही जलाते हैं उसको, देखा हो पूजा करके जलाने में क्या मतलब है, आप किसी को बोलेंगे कि भैया हम आप प्रतीक करते हैं, प्रतीक ही है ना सर, अभी हमने उसको जोड़ दिया कि ये बुराई जलाने का प्रतीक है, ये है होलिका के अंदर जो प्रति बुराइयां थी वो जल गई वगैरह हम सब बोलते हैं, पर मेरे को तो लगता है कि पुतना मावशी के रूप में आप होलिका को नहीं देखना चाहिए, उसकी पूजा ही करनी चाहिए, उसको जलाना ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है नहीं, मगर मैं कौन होता हूँ, मैं थोड़ा क्रांतिकारी हूँ कोई, तो फिर से एक बार आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही रंगीन बन के जो है पूरे साल भर जो है खुश रहो, मस्त रहो। मैं कैसा लग रहा हूँ? जैसे थर्दी साहब रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, हालांकि तबीयत से थोड़ा परेशान हो जाते हैं बीच बीच में, लेकिन अब क्या है स्वास्थ्य है तो कोई कुछ बोल के नहीं आती कोई चीज़ें, बट काफ़ी केयर लेते हैं थर्दी साहब, अरे बाप रे, और काफ़ी उसके लिए एक्साइटमेंट रहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए मेरे को फ़ायदा थोड़ा हो जाती है, मैं आ जाता हूँ तो और एक्साइटमेंट हो जाते हैं, इनके लिए मैं क्या बोलूँ, दिल का टुकड़ा है हमारे।
धन्यवाद सर। तो ऐसी ही खबरें के खबरों के विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है तो हम अंदर की खबरें और को जो है विश्लेषण कर, मैंने सब दोस्तों को बोल दिया गांव गांव में जो है पत्रकार उनको कि मुझे जरा एक्सक्लूसिव दे देंगे हर जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, और मेरा अनिल दत्ते गगन विधि, अरे कोई उसको सब्सक्राइब करो यार, कर रहे सर कर रहे, आपका 5,000 ऊपर चला गया है, हो क्या बात है, हो गया। तो देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।